पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 8 मार्च 2019 से शुरू हो रहे मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार के संदर्भ में संगठन के जनपदीय नेतृत्व के द्वारा एक मशाल जुलूस अंबेडकर पार्क सिविल लाइन से कलेक्ट्रेट परिसर तक जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया। इस दौरान सभी शिक्षक शिक्षिकाओं सहित संगठन के पदाधिकारियों ने एक स्वर में प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की और सभी ने जुलूस के दौरान क्रांतिकारी नारों से अपनी आवाज को बुलंद किया। मशाल जुलूस अंबेडकर पार्क से निकाला गया। अंबेडकर पार्क में वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए लंबित मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग की। मंडल अध्यक्ष विमलेंद्र शर्मा ने कहा कि संगठन ने शिक्षक हितों के लिए मूल्यांकन बहिष्कार का जो आंदोलन 8 मार्च से किया है उसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रांतीय उपाध्यक्ष मेजर डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जब तक शिक्षकों की मांग को पूरा नहीं करती तब तक मूल्यांकन बहिष्कार जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष तुंगीश यादव ने शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई का आह्वान किया। सरकार की लगातार हठधर्मी, लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करो, लेकिन सरकार लगातार बहाने ढूंढ रही है और हमसे हमारी मांग पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनायन गुट ने निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं और सरकार हमको कोई लिखित में आश्वासन नहीं देती है, हमारा ये जो 8 तारीख से मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होने वाला पूरे उत्तर प्रदेश में, इसका हम बहिष्कार करेंगे और लगातार अपनी मांगों के समर्थन में, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे तदर्थ शिक्षकों के नियमितन का मामला हो, चाहे हमारे जो वित्तविहीन शिक्षक हैं उनकी सेवा नियमन का मामला हो, चाहे उनको सम्मानजनक मानदेय का मामला हो, चाहे हमारी सीटी ग्रेड की समस्या हो, चाहे हमारी चिकित्सा की समस्या हो, इन सारी मांगों के समर्थन में लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे और 8 तारीख से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनायन गुट लगातार सबसे प्रयास कर रखा है। बाहरी जितने संगठन हैं, चाहे संगठन शिक्षक संघ के हों चाहे कर्मचारियों के हैं, सबसे हम लगातार संपर्क कर रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। मांगे सबकी हैं, मांग हर शिक्षक की है, मांग हर कर्मचारी की है और पुरानी पेंशन का जो मामला है वो सबके जीवन मरण का सवाल है। जब हमारे सांसद और विधायक लगातार पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, एक बार कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें पेंशन लागू हो जाती है और हमारा शिक्षक और कर्मचारी लगातार 30 वर्ष तक सेवा करके, लगातार 40 वर्ष तक सेवा करने के बाद भी वो पुरानी पेंशन का हकदार नहीं होता, ये हमारे साथ अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हमने बिगुल बजाया है और हम मूल्यांकन कार्य बहिष्कार करेंगे और किसी भी कीमत पर मूल्यांकन नहीं होने जब तक हमें सरकार एक सम्मानजनक